हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड एंड वेलकम बैक टू रुजुता दिवेकर इंस्पायर डाइट डे 17। ओके, सो मैंने सुबह ही चेक किया था कि आज ये चैनल मेरा रिटर्न मिला है मुझे एंड दो तीन लगे यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर मैंने सोचा आज से फिर से डाइट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दो दिन जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वीडियो नहीं बना रही थी, के कारण मेरी डाइट जो है फॉलो अच्छे से नहीं हो पाई, ना एक्सरसाइज हुई है ना डाइटिंग हुई है ठीक से। सो चलिए आज से एक न्यू शुरुआत करते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अगेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग तूफान। टू तूफान। दोस्तों गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म है, आधा लेंगे, आधा डालेंगे ठंडा पानी, फिर डालेंगे चिया सीड लाइक 1 टीस्पून। आई थिंक गर्म पानी में बहुत जल्दी सोक हो जाते हैं चिया सीड। टाइम है हमारे सेकेंड मील का। सेकेंड मील में आज बना है उपमा। तो यार ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने डाली नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादा पोहा एंड उपमा में वेजिटेबल्स। सो सिंपल उपमा है और इसे हम बैठ के खाएंगे आराम से, 32 times च्यू करके खाना है। हेलो दोस्तों, सो ये हूँ फ्यूचर मी। इस वीडियो की मैं अभी एडिटिंग कर रही थी और स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा कि मैं बोल रही हूँ कि दो दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एक्चुअली पूरी बात मैंने बताई नहीं है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने अपलोड नहीं किया और अपलोड कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास चैनल नहीं था, और चैनल आने के बाद मेरे पास जो वीडियो बनाए हुए थे उसी को मैंने 16 डेज को आई थिंक मैंने अपलोड कर लिया। और पूरी बात बताती हूँ मैं, फिर 3 डे डाइट वाला वीडियो था उसे मैं अपलोड कर रही थी, उस दिन 16 ही डेट थी, अपलोड कर रही थी एंड साथ ही मैं वीडियो एक साइड अपलोड हो रही थी और दूसरी साइड में अपने चैनल में कुछ चेंजेस कर रही थी। सो चेंजेस करते वक्त वहाँ पे एक डिफॉल्ट का ऑप्शन था और जिसे मैंने क्लिक कर लिया बाय मिस्टेक एंड मेरा चैनल जो है डिलीट हो गया। सो बाद में मैंने बहुत कोशिश की कि रिटर्न कैसे मिले, तो मिला नहीं। बहुत ज़्यादा लाइक हम जल्दी जल्दी में सोचते कि ये करें वो करें कि दूसरा चैनल ओपन करती हूँ, वहाँ फिर से स्टार्ट करती हूँ, ये करती हूँ, ऐसे सब सोचने के बाद फिर फाइनली सोचा कि थोड़ा सा रुक जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है एक दो दिन। और फिर मैंने सर्च किया गूगल पे और वहाँ से मुझे पता चला कि आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो टीम यूट्यूब को, और जहाँ से मैंने उनको उन्हें एक मेल किया, मैसेज किया कि 2-3 बार करना है ऐसे दिया था, लेकिन वो रिप्लाई करते थोड़ा लेट करते हैं लेकिन करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही थी एंड बाय मिस्टेकली मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन था, अच्छा हुआ कि मुझे मैंने क्या कर रही थी ये सब कुछ पता है, ऐसे ही नहीं कि वो क्लिक किया, मैंने उन्हें बताया और फिर उन्होंने मुझसे URL ID मांग के चैनल रिटर्न किया। 2 दिन लगे और उसके बाद ये जो 17 डे वाला वीडियो है ये भी मैंने शूट करके तभी रख दिया था, तो वो मैं 1 हफ्ते बाद अब डालने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मुझे चैनल रिटर्न मिला सो मैंने वीडियो एडिटिंग करने बैठ गई। 22 थी डेट
जिसमें मैं ये एडिटिंग कर रही थी और शाम को ये वाला व्लॉग आने वाला था, लेकिन और उसी दिन हमारा प्लान हुआ कि हम जैस्पर एंड बैम्फ चलते हैं कैंपिंग के लिए। 23 को मेरा बर्थडे होता है और हमने सोचा था एक मंथ पहले, लेकिन हमने कोई बुकिंग नहीं की थी, जो कैंप साइट पे बुकिंग करनी होती है वो नहीं की। और हमारे जो फ्रेंड्स है उन्होंने कहा कि अभी कोई स्पॉट मिल नहीं रहा है कैंपिंग के लिए, कोई भी जगह वहाँ पे अवेलेबल है नहीं, एक एक महीने पहले बुकिंग करनी पड़ रही है। और फिर मेरा बर्थडे था इसलिए हमने सोचा कि चलते हैं, क्योंकि समर में जो है हमारे घर में किसी का बर्थडे नहीं, बस मेरा ही है 23 जून को, और बाकी सबके बर्थडे जो है विंटर में आते हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रूट का कंटेनर एंड इसमें रखे है मैंने वाटरमेलन, एंड थर्ड मील में आज है वाटरमेलन, माय फेवरेट। और ये मैं बैठी हूँ गैराज में क्योंकि अर्नब बाहर प्ले कर रहा है। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। तभी क्या हुआ कि अमेजोन वाला आया और ये पैकेट मुझे दे रहा था, और मैं उसे बोल रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया है, एक्चुअली मैंने इसे ऑर्डर किया था और मैं भूल गई थी, लाइक ये पूरे आके मुझे देने लगा तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने कुछ ऑर्डर किया है। और ये चीज़ अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है। मैं बॉक्स को देख के तो बहुत खुश हो गई कि क्या आया, जैसे मुझे तो लेकिन कंफ्यूज भी थी कि क्या मैंने ऑर्डर किया है, मुझे पता नहीं। सो मैंने और देखा ऑनलाइन जाके कि क्या मैंने ऑर्डर किया है। एक्चुअली इसे मैं कंफ्यूज थी कि ऑर्डर करूँ कि नहीं, लेकिन ये अब जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ कैंपिंग जाके आने के बाद, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था कैंपिंग के लिए स्पेशली। ये था स्टैंडिंग स्टैंड वॉशरूम के लिए, बात के लिए, जो कोई आप क्लोथिंग चेंज करना चाहते हो बीच साइड पे हो, सभी के लिए यूज़ हो सकता है और बहुत ही इजी टू यूज़ था। सो इसे बस खोलना है, इसे ओपन करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस अपने आप ही ओपन हो गया, लेकिन फोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जब तक आपको इसकी ट्रिक पता नहीं चलती। बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसे फोल्ड करने के टाइम बहुत ज़्यादा ट्राई किया, जो पेपर पे भी इन्होंने पूरी तरह से ठीक दिया नहीं है। फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देखने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी टू फोल्ड है। पहले हस्बैंड बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। आठ के ले नको राहू दे, आधी ओपन करून बघता सर। ए थांबरे, हे तर 10th च समजतंय। आता पाडायला लागतं बाबा। ए हळद तो अर्नव की मस्ती तो खत्म नहीं होगी। चलिए बनाते हैं लंच में बना रही हूँ मैं सिंपल दाल राइस, खाएंगे हम सैलड के साथ। सो जो रुचिदा दिवेकर की डाइट है इसमें है, और आप जो डिनर है उसमें दाल चावल एंड सांबार राइस ये सब दिया है कि खा सकते हो, लेकिन मैं दोपहर को बनाना प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि डाइजेस्ट अच्छे से होता है, हम एक्टिव ही रहते हैं, वॉक वॉक होता है, सब कुछ होता है। और जो रात का खाना है डिनर है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी भी होता है कभी लेट होता है, तो मैं रोटी ही बनाती हूँ क्योंकि रात को एक टाइम अच्छे से सब बैठ के खाते हैं तो रोटी सारे एक साथ खाते हैं। सो या सो अभी बनाते हैं। और मैं यूज़ कर रही हूँ दाल जो है लाल मसूर इसे कहते हैं, हाँ, इसमें मैंने नमक डाला है, प्याज खड़े करके कट करके डाले हैं, टमाटो डाला है, हल्दी भी डालूंगी मैं, और साथ ही मैं राइस भी बना रही हूँ इसलिए अच्छे से वॉश करके लिया है दोनों को, और फिर इनमें जितना वाटर चाहिए उतना ऐड करके ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। एंड मैं हल्दी डाल रही हूँ, इसे भी मैं अभी डाल रही हूँ ताकि ये जो दाल है मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ उबली हुई बिना तड़के की अर्नव के लिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, बस मैश करनी है जब कुक हो जाएगी, और उसे दाल ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ, इसलिए मैं सब पहले सब कुछ कर रही हूँ। तो इसे हम 4 सीटी लगा के लेंगे और अब देते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने तेल अच्छे से गर्म हो गया है, साइड में आप देख सकते हो पीला भी होने लगा है, और तेल गर्म होते ही डालेंगे राई, ज़ीरा, लहसुन बहुत सारा कट करके, लहसुनी दाल है, और ये हमारी दाल कुक हो चुकी है तो इसे निकाल लेते हैं, इसे मैश कर लेंगे, और जितनी दाल अर्नव के लिए चाहिए इसे मैं निकाल लूँगी साइड में,
और बाकी की दाल इस तड़के में डालनी है। और तड़के में मैंने 2 चिलीज भी डाली है, मिर्ची। तो या अब इसमें डाल लेंगे और जितना पानी चाहिए आपको डाल लें। और जब ये 5 मिनट बॉईल हो जाएगी तब मैंने इसमें धनिया डाला है बहुत सारा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तड़के में भी डाल सकते हैं लेकिन एंड में डाली हुई और ज़्यादा अच्छी लगती है। और इतनी दाल मैंने निकाल के रखी है अन्नों के लिए। सो ये है हमारा लंच, दाल तड़का विद राइस एंड थोड़ा सा अचार लिया है मैंने एंड बहुत सारा सैलेड। और ग्रीन सैलेड में मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके डाली है, कैरेट है, कुकुम्बर है, रोमेनी लेटिस है, फिर लेमन मैंने ऊपर से डाला है और रेडी है। लंच के 2 आवर्स के बाद बारी है हमारे 5th मील की। 5th मील में ये सारे फ्रूट्स मैंने मिक्स करके अच्छे से वॉश करके लिए है, ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरी। ये वाली हमारे ट्रीज की नहीं है, ये फ्रेश रेडीमेड सुपर स्टोर से लाई है मैंने। सो ये और ये सारे फ्रूट हम शेयर भी करेंगे। लुक इट मी, शो मी योर फेस। चौकी खाई है बेबी ने, पीला चौकी, हनुमान बन गए। नो नो दैट्स फॉर कॉकवाक अनी, नो नो No, no, that's for quack-quack. इस बच्चे को अपनी रोटी नहीं खानी। That's for quack-quack, Anni. Come here. Wash your face. Come. फिर मैंने 30 मिनट का इवनिंग वॉक किया है अर्णव के साथ। बहुत ज़्यादा धूप है, लाइक वॉक नहीं हो सकती। और अभी ऐसा है कि लाइक शाम हो जाती है 9 o'clock, तो बहुत लेट हो जाता है उस वक्त। तो मैंने फटाफट से वॉक कर लिया है और अब बारी है डिनर की। सो डिनर में आज बनेगी फ्रेस भी और फ्रेंच बीन्स भी कहते हैं या इसे। सो इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, ये सूख भी गई है, ड्राई हो गई है। दोनों साइड के आपको कॉर्नर ऐसे निकाल लेने हैं, चाकू से निकाल सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हो, या फिर 4-5 टुगेदर रख के भी निकाल सकते हैं। सो निकाल लेंगे इसे। सारी फ्रेंच बीन्स कट कर लिए हैं मैंने, अभी से देते हैं तड़का। तड़के के लिए कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है, इसमें डालेंगे राई, ज़ीरा, करी लीव्स के पत्ते, गरम होने देंगे अच्छे से। फिर बारीक कटी हुई मिर्च डालें अपने तीखे के अनुसार, ज़्यादा कम कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लहसुन। लहसुन का ही फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और कोई चीज़ नहीं मैं डालूँगी, ना प्याज, ना टमाटो, ना कोई चीज़। सो लहसुन हम मैंने 10 से 12 कलियाँ ली है, इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। और गोल्डन ब्राउन होते ही लहसुन, फिर हम इसमें डालेंगे सारी फ्रेंच बीन्स फ्रेस भी, और बिना ढक्कन ढके, और आपको बस हिलाते रहना है इसे, थोड़ी सी कुक कर लेनी है। करीब हमें 10 मिनट इसे ओपन ही कुक करना है, जब तक ये नरम नहीं पड़ती। और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे, और जब ये नरम पड़ जाएगी तब बस हमें इसमें गीला नारियल यानी कोकोनट डालना है, और नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे एंड दैट्स इट। सब्ज़ी हमारी बनके रेडी है। आगे की क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, इस तरह से ही बताइए ना सब्ज़ी दिखाई। तो ये है हमारा डिनर, ये है डिनर की प्लेट जिसमें है रोटी, अचार, सब्ज़ी फ्रेस बीकी एंड सैलेड थोड़ा सा लिया है मैंने।
या तो इस वाले व्लॉग में एक्चुअली मुझे अपडेट देना था आपको कि वेट का, लेकिन मैं नहीं दे सकती क्योंकि वेट बढ़ा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा गैप हुआ है, पहले चैनल लॉक हुआ, फिर मुझे डेट आए, फिर हमारा बाहर जाने का प्लान बना और अभी इंटरनेट ही नहीं है दो दिन से। सो मैं एंड में ही मंथ की आपके साथ शेयर करूँगी वेट एंड जो भी है, और आने वाले दो दिनों में मैं बैम्फ एंड जैस्पर का जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करूँगी एंड उसके बाद फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे डाइट को और अच्छे से करेंगे जितना हो सकता है। सो आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। And thank you for watching. Milte hai kal. See ya.